वेलकम बैक फ्रेंड्स, क्रेटा 2021 ऑडियो अपग्रेड फिर से देख रहे हैं कुछ न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। मैक्सलिंग कंपनी की प्रीमियम क्वालिटी डैम्पिंग इसके अंदर हम लोग कर रहे हैं। ब्लैक सीरीज की ये आती है। एक एक जो मोल्ड है क्रेटा के डोर के अंदर, हर एक मोल्ड को ये डैम्पिंग कवर करती है। एंड बहुत ज़रूरी हो जाता है जब एक हाई एंड ऑडियो हम लगा रहे हैं, कोई एम्पलीफायर नहीं, कुछ नहीं, चार कंपोनेंट्स ही अगर हम लगा रहे हैं ये गाड़ी के अंदर, हर्ट्स के कंपोनेंट्स, K165 माउंटिंग बेस मॉडल गाड़ी आती है, रेगुलर प्रोजेक्टर हेडलाइट्स आती हैं, रिप्लेस करके ट्रायो हेडलाइट ये गाड़ी के अंदर हम लोग लगा रहे हैं। ये स्टॉक हेडलाइट भी देख सकते हैं कंपनी की। ये बेसिक हेडलाइट्स हमारी आती हैं कंपनी की प्रोजेक्टर वाली, बट जैसे SX प्लस में हम देखते हैं द ट्रेयो हेडलाइट विद अ इंटीग्रेटेड DRL एंड कोई बल्ब वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं है, फुल LED मोड में ये आती है। तो इसकी भी हम लोग ऑन होने के बाद फाइनल में देखेंगे। फॉग लैंप्स हमने लगाए हुए हैं Hyundai जेन्यून एंड उसमें LED बल्ब्स हम अपग्रेड कर रहे हैं कंप्लीट। बट जो सीट कवर भी ये गाड़ी के अंदर हम लोग देखने वाले हैं, टॉप गियर ब्रांड की सुपर कॉम्फी सीरीज, बट फिर से आए हुए हैं कुछ न्यू कलर कॉम्बिनेशन के साथ। ब्लैक क्रेटा पे फुल ब्लैक विथ आइस ग्रे की थोड़ी सी पाइपिंग इसके अंदर है। सुपर कॉम्फी ग्रेनलेस टेक्सचर के आते हैं। फिटमेंट देख सकते हैं इन सीट कवर्स की, पीछे के दरवाजे की डैम्पिंग देख सकते हैं। सो क्रेटा 2021 विथ अ ऑडियो अपग्रेड विथ द डैम्पिंग with the seat covers, with the top model headlight and Android music system, steering ये गाड़ी का completely leather wrap हम लोग ने किया हुआ है। ये कोई steering cover वगैरह नहीं है, steering पूरा का पूरा गाड़ी से बाहर निकाल के soft feel touch में ये complete steering leather wrap होता है। इसका getup भी हम लोग देख सकते हैं। sunglass holder लग रहा है Hyundai genuine का। steering controls हमने mount किए हुए हैं। पार्सल ट्रे भी पीछे की हम लगा रहे हैं। ईच एंड एवरी थिंग इन द कार ये गाड़ी के अंदर हम लोग कंप्लीट ऑडियो अपग्रेड होने के बाद देखेंगे। ग्लोपंग का रिवर्स कैमरा देख रहे हैं, द BCDH05 विद डायनामिक गाइडलाइंस के साथ है। कैमरे की भी माउंटिंग में आप लोग को ज़रूर बताऊंगा। ग्लोपंग का BCDH05 मॉडल नंबर हम लोग देख रहे हैं। पूरी गाड़ी रेडी होने के बाद मैं आप लोग से मिलूंगा। थैंक यू। वेलकम बैक फ्रेंड्स, माई नेम इज़ रोहित एंड वेलकम बैक टू माई चैनल साई ऑटो एक्सेसरीज। क्रेटा बेस मॉडल का आज मॉडिफिकेशन देख रहे हैं। बेस टू टॉप जो दो चीज़ें मेजर एक काफ़ी कस्टमर्स की डिमांड रहती है कि बेस मॉडल ई वेरिएंट खरीद के दो चीज़ें जो बाहर से एक्सटीरियर प्रोफाइल से पूरी गाड़ी का लुक टॉप मॉडल के जैसा कर देती है। वन इज द ट्रायो हेडलाइट जो SX प्लस ऑप्शनल में आती है, बेस मॉडल में हम लोग ने इंस्टॉल की है। इंस्टॉलेशन वीडियो भी हम लोग ने देखा था कि कंपनी की कैसे रेगुलर प्रोजेक्टर्स थे। कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि टॉप मॉडल की हेडलाइट्स लगानी है, सो ट्रेयो हेडलाइट Hyundai जेन्यून जो आती है इसके अंदर हमने इंस्टॉल की हुई है। फिट एंड फिनिश देख सकते हैं, एकदम टॉप एंड मॉडल का लुक है। एंड इसका ऑपरेशन भी देखेंगे, 17-inch डायमंड कट अलॉयज विथ प्राइजेस भी मैं जितना हो सके थोड़ा आप लोग को ज़रूर हेल्प कर दूंगा, क्योंकि ये दो चीज़ों के लिए ज़्यादातर व्हाट्सएप पे रिक्वायरमेंट आती है। 17-inch के डायमंड कट अलॉयस, वीडियो पूरा एंड तक आप लोग देखिएगा, विथ प्राइजेस मैं आप लोग को बताऊंगा। 16-inch के टायर आते हैं रिप्लेस करके R17 के टायर्स एंड Hyundai जेन्यून अलॉयस के साथ ये चीज़ आती है। गेटअप देख सकते हैं। सो ये दो चीज़ें आउटर बॉडी से गाड़ी का लुक टॉप मॉडल के जैसा कर देती है। वन इज़ द ट्रायो हेडलाइट एंड वन इज़ द अलॉय व्हील। फ्रंट ग्रिल कंपनी की ही है, उसके ऊपर ही हमने क्रोमिंग की है, क्योंकि काफ़ी टॉप मॉडल वाले क्लाइंट्स भी आते हैं कि हमको SX प्लस की ग्रिल पे भी क्रोमिंग करनी है, तो बेस मॉडल की ग्रिल पे भी आप क्रोमिंग कर सकते हैं। ब्लैक गाड़ी थी स्पेशली, वरना वाइट पे एक चेंज करने का ऑप्शन भी आपको आ जाता है। सो कंपनी की ही ग्रिल पे विद द क्रोम इंसर्ट्स 1, 2 एंड 3 राइट एंड लेफ्ट पूरा इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं। सो हेडलाइट्स हम देख रहे हैं ट्रेयो, फोग लाइट Hyundai जेन्यून लगाई हुई है एंड इसमें जो बल्ब्स हैं ग्लोपंग के H27 के जो आते हैं हैव बीन अपग्रेडेड टू द LED। सो ऊपर एंड नीचे वाइट लाइट का फोकस है इसका, रोड के ऊपर भी खाली ये फॉग लाइट्स अभी ऑन है। ये फॉग लाइट्स की रोड कवरेज आप लोग देख सकते हैं Hyundai जेन्यून एंड प्लस
the Blaupunkt LED bulb inserted in that. So side profile में आते हैं गाड़ी के. Door visors हमने लगाए हुए हैं black and chrome line. Chroming थोड़ी सी की हुई है window पे. Roof rails लगाई हुई है जो M-Tech brand की आती है. ABS roof rails आती है, broad आती है. Top model में भी मेरे ख्याल से इतनी broad नहीं आती है जितनी M-Tech की original आती है. इंटीरियर पोर्शन ऑफ द कार पे आते हैं. ऑडियो सेटअप की बात करेंगे. डैम्पिंग की हुई है ये गाड़ी के अंदर. हमने मैक्सलिंग ब्रांड की प्रीमियम क्वालिटी की डैम्पिंग आती है. डैम्पिंग करने से जो अंदर के हमारे ओपन होल्स हैं वो छुप जाते हैं. नॉइस बाहर की रोड नॉइस गाड़ी के अंदर नहीं आती है. प्लस जो स्पीकर्स बजते हैं जो एक विदाउट डैम्पिंग इफेक्ट आप सुनेंगे 20% का फ़र्क पड़ता है कि डैम्पिंग करने से एक सॉलिडनेस दरवाजे की बढ़ती है. इंटरनल एक्सटर्नल फुल हमने की हुई है. हर्ट्ज के कंपोनेंट्स ये गाड़ी के अंदर हमने लगाए हुए हैं. फ्रंट में हर्ट्ज के कंपोनेंट है, आगे हर्ट्ज के कोएक्सियल है, पीछे एम्पलीफायर हूफर का कोई सेटअप नहीं है. टच स्क्रीन एंड फोर स्पीकर्स. प्लेयर भी जो ये गाड़ी के अंदर हमने लगाया हुआ है 10.1 इंच का एंड्रॉयड प्लेयर आता है क्यूबिक ब्रांड का. इसका इसकी टच क्वालिटी आप लोग देख सकते हैं, इसका इंटरफेस आप लोग देख सकते हैं. 10.1 इंच ऑफलाइन मैप्स के साथ आता है. इट इज़ विद द ऑफलाइन नेवी मैप्स जो इसके अंदर दिए हुए हैं. विदाउट इंटरनेट खाली आपको एड्रेस टाइप करना है या आपको मैप्स में गाइड कर देता है. फ़ोन लिंक इसमें दिया हुआ है. एंड्रॉयड के लिए मिरर स्क्रीनिंग एंड आईफोन के लिए एयरप्ले विद द हेल्प ऑफ द वाईफाई. रिवर्स कैमरा हमने लगाया हुआ है Blaupunkt कंपनी का ये गाड़ी के अंदर. Hyundai Genuine स्टेयरिंग कंट्रोल्स इसके अंदर लगाए हुए हैं. सनग्लास होल्डर लगाया हुआ है ऊपर की तरफ जो आता है, देख सकते हैं. सो बेस मॉडल में जो 7 से 8 Hyundai Genuine एक्सेसरीज चीज़ें लगती है. फर्स्ट इज़ द स्टेयरिंग कंट्रोल, सेकेंड इज़ द सनग्लास होल्डर, थर्ड इज़ द फॉग लाइट, फोर्थ इज़ द पार्सल ट्रे, फिफ्थ इज़ द अलॉय व्हील एंड सिक्स्थ इज़ द ट्रेव हेडलाइट जो उसके अंदर आती है. सो ये बेसिक 6 की 6 चीज़ें इसके अंदर हमने लगाई हुई है. ऑडियो में हर्ट्ज के कंपोनेंट है, डैम्पिंग है, ट्यूटर्स देख सकते हैं किस तरीके से कंपनी के मिरर कैप्स के यहाँ पे हमने इंसर्ट किए हुए हैं. हर्ट्ज के ये आते हैं एंड पीछे के दरवाजे में कोएक्सियल है. इसका इफ़ेक्ट भी मैं आप लोग को सुनाना चाहूँगा. क्यूबिक के प्लेयर के साथ आते हैं. क्लैरिटी है, इफ़ेक्ट है, बेस है, पंच है, हर चीज़ इसके अंदर हमको मिलती है. 7000 के फ्रंट के स्पीकर्स हैं, 5500 के पीछे के स्पीकर हैं, 12,500 के 4 स्पीकर हमने लगाए हैं. प्लेयर लगाया हुआ है जो 15,500 रुपीज़ के रेंज का पड़ता है DSP सेटिंग्स के साथ. कैमरा लगाया हुआ है Blaupunkt का डोम वाला जो आता है. CCTV लुक 2,500 रुपीज़ के रेंज का पड़ता है. सीट कवर्स ये गाड़ी के अंदर हमने लगाए हुए हैं टॉप गियर ब्रांड की कॉम्पि सीरीज. यस वंस अगेन द टॉप गियर ब्रांड जो एटिगा वैगन आर में तो हम देखते ही हैं, बट क्रेटा में ब्लैक कलर की कार पे ब्लैक कलर के सीट्स हमने लगाई हुई है. एक्स्ट्रा कुशनिंग के साथ आते हैं. खाली इन सीट कवर्स की फोमिंग हम देख सकते हैं, ग्रेन लेस आते हैं. बाकी मार्केट में हर कोई सीट कवर आप देखेंगे ग्रेन एक टेक्सचर रहता है, बट टॉप गियर इज़ अ अल्ट्रा सॉफ्ट फैब्रिक. इसका ये ओरिजिनल लोगो आता है पीछे की तरफ जो आप देख सकते हैं. ब्लैक एंड ग्रे का पूरा थीम है. पीछे के रो की फिटमेंट देख सकते हैं. टॉप गियर की कॉम्फी सीरीज हमने लगाई हुई है. 12,000 रुपये के सीट कवर पड़ते हैं Hyundai Creta के. इंजेक्शन मोल्डेड मैट्स हमने ये गाड़ी के अंदर हमने लगाई हुई है जो फुल बकेट ट्रे फॉर्मेट में आती है. सेवेंडी ब्रांड का लैमिनेशन है. पहले इस लैमिनेशन की फिटमेंट देख सकते हैं. आज 15 डेज हो गया है गाड़ी का काम करके, ये आज मैंने नहीं की है, 15 डेज बिफोर ये गाड़ी का वर्क हुआ है. लैमिनेशन की फिटमेंट देख सकते हैं. 2,500 रुपीज़ का पड़ता है जो फ्लोरिंग लैमिनेशन. 70 ब्रांड, ये एक ही ब्रांड है जो पाइपिंग के साथ आता है. इंजेक्शन मोल्डेड मैट्स इसके अंदर हमने लगाई हुई है जो बकेट वाली आती है. ईजी टू प्लेस एंड ईजी टू रिमूव. ब्लैक कलर में प्रॉपर ट्रे ये आती है, ना कोई मुड़ती है ना कुछ. ये है सीट कवर्स टॉप गियर ब्रांड की कॉम्फी सीरीज के हैं. एक एक रो आगे का पीछे का देख सकते हैं कि किस तरीके से है. फिटमेंट
सन कंट्रोल फिल्म ये गाड़ी के अंदर हमने लगाई हुई है, जो अल्ट्रा हाई हीट रिजेक्शन है, धूप आपकी गाड़ी में बिल्कुल भी नहीं आएगी। ओलिवर ग्रीन शेड में हमने इसके अंदर लगाई हुई है। सो ह्युंडई क्रेटा 55,000 रुपीज़ के पड़ते हैं। डायमंड कट अलॉयस, 16 इंच के आपके टायर बाय बैक करके 17 इंच के टायर लगा के, टायर की कंपनी मोस्टली जो आपके टायर लगे हुए रहेंगे, अगर अपोलो आपको लगे हुए आते हैं कंपनी से तो अपोलो के ही आ जाएंगे, एंड गुड ईयर के अगर होंगे तो गुड ईयर के आपको आ जाएंगे। सो टेकिंग बैक योर टायर्स सब्जेक्ट टू द कंडीशन, गाड़ी न्यू है और शोरूम से है, एंड 17 इंच के टायर अलॉयस के साथ 55,000 रुपये का खर्चा है। ट्रेओ हेडलाइट हमने देखी हुई है, 34,000 रुपीज़ की पड़ती है। प्रॉपर कैनवस कंट्रोल्स के साथ आती है। फॉग लैम्प्स ह्युंडई जेन्युइन हम लोग देख सकते हैं, ब्लॉपंक के एलईडी बल्ब्स के साथ हमने लगाई हुई है। 4,000 रुपीज़ के बल्ब्स हैं एंड 2,500 की फॉग लाइट्स है ईच एंड एवरीथिंग के साथ, तो ये सेटअप चला जाता है पूरा। स्टेयरिंग कंट्रोल्स 2,500 के पड़ते हैं विथ इंस्टॉलेशन वगैरह करके, सॉकेट वगैरह सबके साथ। सनग्लास होल्डर 4,500 का पड़ता है ऊपर का, एंड उसका सॉकेट लगता है 1,800 रुपये का, वो चीज़ उसके अंदर आती है। सो ह्युंडई क्रेटा बेस मॉडल टू टॉप मॉडल तो नहीं बोल सकते हैं, बट एक कोशिश, एक लुक हमने देने की कोशिश की हुई है। ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर हमने लगाया हुआ है। पार्सल ट्रे भी आप लोग देख सकते हैं पीछे की, ये आती है जो पार्सल ट्रे भी टॉप एंड मॉडल में आती है, जो 70 ब्रांड का लैमिनेशन है विद डिक्की आता है, ये प्रॉपर बूट स्पेस भी आपकी कवर करता है। सो एक सिंपल तरीके से, कोई ओवर मॉडिफिकेशन नहीं, कस्टमर को बाहर से टॉप मॉडल का लुक चाहिए था, एक ऑडियो सेटअप अच्छा चाहिए था और एक सीटिंग अरेंजमेंट अच्छी चाहिए थी। प्राइजेस लिंक में पूरी लिस्ट भी मेंशन है। सो क्रेटा भी अगर आपकी हो तो वाशी नवी मुंबई सेक्टर 17 गोल्डन पंजाब होटल के बाजू में शॉप है साई ऑटो एक्सेसरीज, ज़रूर आप लोग विजिट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, अपने कमेंट्स, वैल्यूएबल कमेंट्स कमेंट सेक्शन में डाल के हमें और मोटिवेशन दीजिए कि नवे से नवे प्रोडक्ट्स आपके सामने हम लेके आए। लाइक द वीडियो, कमेंट ऑन द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल। गुड बाय, टेक केयर, हैप्पी ड्राइविंग, सेफ ड्राइविंग, एंड थैंक यू।